दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग इंडिया के जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और साथ साथ उसमें देखे थे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट कवर है दोनों में डिफरेंसेस है। और साथ साथ पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 है उसके हिसाब से इंडिया की फॉरेस्ट रिसोर्स को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 की जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसको यहाँ पे समरी या हाइलाइट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हाइलाइट्स में रिपोर्ट में बोलता है कि जो इंडिया की टोटल फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो कवर है पूरे लैंड पे 21.67% है। अब देखो फॉरेस्ट कवर का मतलब है फॉरेस्ट की डेफिनेशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस फॉरेस्ट की डेफिनेशन में दोस्तों वहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर उसी को इंक्लूड किया जाएगा कि जिस लैंड में 10% जो ट्री की कैनोपी होगी एटलीस्ट, और जो लैंड होगा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा उसी लैंड को फॉरेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया की 21.7% है। ये हमारे दोस्तों 2018 की जो सर्वे थी उसके हिसाब से 0.12% ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर, यानी कि यहाँ पे पिछले लास्ट ईयर में इंडिया की फॉरेस्ट जो कवर है वो हमारी बढ़ी है। और दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री दोनों की कवर को इंक्लूड किया जाता है तो टोटल लैंड जो इंडिया की 24.56% आता है। अभी भी दोस्तों जो फॉरेस्ट हमारा जो रूल्स है जिसमें बोलता है कि 33% मिनिमम फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उससे बहुत ही नीचे है, यानी कि टोटल आप इंक्लूड करोगे फॉरेस्ट और ट्री कवर तभी भी हमारा 24.56% है। और दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट्स में हाईलाइट होता है कि जो फॉरेस्ट की कवर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है कि सारे स्टेट में आप देखोगे एक समान फॉरेस्ट रिसोर्स नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोस्तों एरिया वाइज बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट है तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में एरिया वाइज आप देखोगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। इसके अलावा उसके सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर उड़ीसा और पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र। तो एरिया वाइज आप जो टॉप 5 स्टेट हैं वो हमारा है MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। लेकिन स्टेट की आप परसेंटेज वाइज आप बात करोगे कि जो एरिया है उसमें परसेंटेज फॉरेस्ट की कितनी है तो परसेंटेज वाइज दोस्तों यहाँ पे मिजोरम फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दोस्तों दोनों ही रिपोर्ट में सेकंड पोजीशन पे है, एरिया वाइज भी सेकंड है और परसेंटेज वाइज भी सेकेंड है। तीसरा नंबर पर है दोस्तों मेघालय, चौथा पे मणिपुर, पाँचवा में नागालैंड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे जो स्टेट हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो हमारे टॉप 5 में जगह बनाए हुए हैं परसेंटेज वाइज में। दोस्तों और जो रिपोर्ट हाईलाइट करता है उसमें बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई जो डेसीडुअस फॉरेस्ट है। देखो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट में दो टाइप की फॉरेस्ट होती है, एक होती है ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल मॉइस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 50% से ज़्यादा कवर होता है, यानी कि 58% के आसपास जो इंडिया के कवर है वो हमारे ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट या मानसून टाइप की फॉरेस्ट है। उसमें दोस्तों ड्राई जो डेसीडुअस फॉरेस्ट है 40.16% पूरे इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसमें 40.86% होता है, जो सबसे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे दोस्तों ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट में आता है जिसमें 17.65% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया के आता है। तो दो हाईलाइट्स यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट में। फिर दोस्तों रिपोर्ट में और आता है कि सबसे जो फॉरेस्ट की इंक्रीज हुई है, फॉरेस्ट कवर की इंक्रीज हुई है एरिया वाइज, उसमें कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एरिया वाइज जो फॉरेस्ट की कवर ज़्यादा हुई है, फिर यहाँ पे केरला है। तो जो सदर्न स्टेट हैं वो हमारे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट की कवर वो बढ़ रही है। और यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहाँ पे फॉरेस्ट की कवर है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, एक्सेप्ट असम और त्रिपुरा।
दो राज्यों को छोड़कर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे फॉरेस्ट की कवर डिक्लाइन हो रही है और सदर्न स्टेट में हमारा फॉरेस्ट की कवर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट हैं वहाँ पे कोई भी मेजर चेंजेज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर बढ़े हुए हैं लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट हैं वहाँ पे मेजर चेंजेज नहीं आए हैं। दोस्तों मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है जो हमारा सुंदरबन डेल्टा उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र मिलता है कोस्टल एरिया में स्वैम्पी एरिया में उसकी परसेंटेज में हाईएस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला है 1.1% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो हमारा रिपोर्ट में आता है दोस्तों कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आए हैं और कर्नाटक यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मर है फॉरेस्ट रिपोर्ट में। 13 दोस्तों 2019 की जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है उसकी हाइलाइट्स। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।